हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप द ऑल पीपल आर गुड। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल पुलाव। ये वेजिटेबल पुलाव रेस्टोरेंट स्टाइल में आप घर में भी बना सकते हैं। ये बहुत इजी रेसिपी है, इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो चलिए देखते कैसे बनाते हैं वेजिटेबल पुलाव। लेट्स सी द वीडियो, स्टार्ट म्यूजिक। ये वेजिटेबल पुलाव का जितना इंग्रेडिएंट्स मैंने नहीं दिखाया इसमें, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया, आप लोग थोड़ा वहाँ पे जाके चेक कर लीजिएगा। सबसे पहले काम रहेगा जो राइस रहेगा, राइस को अच्छी तरह से वॉश करके 30 मिनट तक भिगा के रखना है। उसके बाद जो वेजिटेबल रहेगा जैसे कैरेट, ग्रीन बीन्स, ग्रीन पीस, उसको काट के अच्छी तरह से धो के रखना है। अब मैंने एक राइस कुकिंग पैन ले लिया हमारा राइस के हिसाब से। ये पैन गर्म होने के बाद मैंने एक टेबलस्पून घी ऐड कर दे रहा हूँ। आप लोगों के पास अगर घी अवेलेबल नहीं होगा तो आप लोग प्लेन कुकिंग ऑयल भी यूज कर सकते हैं। घी डालने से जो राइस का फ्लेवर है ना, वो बहुत मज़ेदार हो जाता है, इसीलिए घी ऐड किया मैंने। तो इसके साथ 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल भी मैं ऐड कर दे रहा हूँ। तेल गर्म होने के बाद मैंने दारूचीनी 3 से 4 छोटा वाला टुकड़ा, 3 से 4 तेज पत्ता, 8 से 10 लवंग एंड 7 से 8 इलायची मैंने इसमें ऐड कर दे रहा हूँ। ये सब खड़ा मसाला को अच्छी तरह से मिलाएंगे और 2 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। ये सब मसाला के वजह से जो राइस का फ्लेवर है ना, और भी मज़ेदार हो जाता है। इसको 2 मिनट तक फ्राई करने के बाद हम इसमें जो प्याज था काट के रखा था, उसको भी हम इसमें ऐड कर दे रहा हूँ। प्याज के साथ जो मिर्चा काट के रखा था, वो भी मैं ऐड कर दे रहा हूँ। इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। मिलाने के बाद इसको लाइट ब्राउन तक हम फ्राई करते रहेंगे। ये फ्राई करते करते जब ओनियन लाइट ब्राउन हो जाएगा, तब हम उसमें 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दे रहा हूँ। इसको अच्छी तरह से मिला के हम फ्राई करते रहेंगे। इसी टाइम आपको मिंट पसंद है तो पुदीना पसंद है, आप पुदीना भी इसमें ऐड कर सकते हैं। जिंजर गार्लिक अच्छी तरह से फ्राई होने के बाद जो वेजिटेबल था मैंने जो काट के रखा था, वो मैं अभी ऐड कर दे रहा हूँ। टीस्पून सॉल्ट ऐड करके हम इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे और 5 मिनट तक उसको फ्राई करते रहेंगे। 5 मिनट इसको फ्राई करने के बाद राइस के हिसाब से हम इसमें पानी ऐड करेंगे। जितना राइस है उसके हिसाब से पानी हम इसमें ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। मिला के बाद एक कवर करके रख देंगे जब तक पानी बॉयल नहीं हो जाते। पानी जब बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, तब जो राइस मैंने भिगा के रखा था, वो वाला राइस हम अभी ऐड कर देंगे पानी में। अब इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। मिलाने के बाद इसको हम कवर करके रख देंगे। आप अगर सोच रहे हैं पानी ज़्यादा हो गया, तो डरने का कोई बात नहीं। जब आपका राइस अच्छी तरह से कुक हो जाएगा, तो जो एक्स्ट्रा वाटर रहेगा, एक्स्ट्रा पानी रहेगा, उसको आप स्टेन करके निकाल दीजिएगा। ये देखिए हमारा राइस ऑलमोस्ट कुक हो चुका है। अब देखो अब ये पूरा रेडी हो गया। अब हम गैस ऑफ करके जो कोरिएंडर चॉप था, वो कोरिएंडर चॉप डाल के कवर करके 20 मिनट तक हम रख देंगे राइस को। तो कैसा लगा ये वेजिटेबल पुलाव रेसिपी? रेसिपी अच्छा ही लगा होगा। अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर बनता है।
आप अगर हमारे चैनल में नया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, पास में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।